क्रोनोलॉजी समझिए, अभी भी नीचे, अभी भी जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं वो क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की जरूरत है। जिस दिन सरकार बनी, ट्रस्ट वोट था, उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1,00,000 करोड़, या 2017 चलिए 8,000 करोड़ बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी जांच संस्थाने लग गई। आज हो गया 23, लगभग 6 साल। कहां गया वो संपत्ति, कहां गए वो 1,000 रकम, 1,000 करोड़? कौन लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण देता था फिर, मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हो या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना ठेंगा मिला, तेजस्वी के यहाँ से ठेंगा। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद होती है। मोबाइल पीछे करो, यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया, तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, भाग खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में हैं भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो लोग हैं पूरी तरीके से फर्जी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं, और हम लोग जो हैं असल समाजवादी लोग हैं। इनके डराने से, झुकाने से हम लोग झुकने वाले एकदम नहीं हैं। इनकी षड्यंत्र, नकारात्मक राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए, और वो जिगर मेरे पास है। जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है, और जमीर मेरे पास है, और विचार मेरे पास है। और क्या दिखा रहे आप बताइए। मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा तो बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है, उनके हाथ का कंगन, कान का, पहनने का श्रृंगार का, नाक का श्रृंगार का, पैर का श्रृंगार का इकट्ठा करके फोटो, यूज्ड ज्वेलरी का फोटो खींच करके ईडी जो है लगा रही है। बताइए कितना शोभनीय है। अब आपके घर में भी माँ बहन भाभी सब रहता होगा क्या, वो कान में नहीं पहनती है? अब 4-5 जगह मारिएगा, और वहाँ 8-10 की संख्या में 15 की संख्या में महिलाएं होंगी, उनका उतरवा करके फोटो खिंचवा लीजिएगा और कहिएगा कि इतना किलो सोना मिला। अरे भाई, मेरी बहन अच्छे परिवार में ब्याह दी गई, और ज़्यादातर बहनों जिनके यहाँ छापा पड़ा, ज़्यादातर बहनें वो थी जो 2012 के बाद ब्याहीं, यानी रेलवे टर्म से किसी को लेना देना नहीं। लालू जी 2005-04 से 2009 तक ज़्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है 4th नंबर की, 5वीं नंबर की, 6ठी नंबर की, 7वीं नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है, उनके यहाँ जा कर के अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझिए 24-25 जगह छापा मारा, हर जगह 1-2 लाख भी मिलेगा तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया। उससे ज़्यादा तो गिरिराज सिंह जी क्या जो चोरी हुआ था, उससे ज़्यादा पैसा तो वहाँ था, करोड़ों की रकम। तो इस तरह का भयावक न्यूज़ प्रोपेगेंडा सिर्फ इसने चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को
सही ठहराया जाए। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं, इनको जो करना है कहना है ये करते रहे, इसलिए हम लोग यहाँ वापस पटना अभी हम लौटे हैं। धर्मपत्नी है, आखिरी महीना चल रहा है और हमेशा आखिरी महीने में उनको सेहत को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर उनका रेगुलर हाई रहता है। और ये सीबीआई वाले ईडी वाले आए यार, आधे घंटे में काम इनका ख़त्म हो गया, बाकी सारा टाइम ही बैठे रहे। हम लोगों ने चाय पिलाया, खाना खिलाया, बैठे रहे। हम बोले अब हो गया, पूरा घर देख लिया, सब कुछ देख लिया, जगह देख लिया, अब क्यों नहीं जा रहे? तो ऊपर से फ़ोन आ जाएगा तो चले जाएंगे, बैठने के लिए कहा गया ताकि न्यूज़ चलता रहे। अब आप बताइए ये स्थिति है, अब इस पर हम क्या कहें? न्यूज़ लोगों कुछ लोग तो अलग है हेडलाइन चलाते हैं, अदानी हम ही हैं क्या? हाँ 80,000 करोड़ का हमको लग रहा है देश के अदानी तो हम ही हो गए। सबसे ज़्यादा रेड हमारे ही परिवार में आज तक पड़ा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में, सारी एजेंसियाँ हमारे पीछे लगी होगी। 80,000 करोड़ वाला, ड्रग्स वाला, सब गायब हो गया, भाजपा के यहाँ कोई नहीं जाता। तो इसलिए हमने पहले भी कहा था, चल मैं बौखलाहट जो यहाँ हम लोगों ने चुनौती दी पूर्णिया में और भीड़ देख के जब पगला गई भाजपा, उसी टाइम सरेंडर कर दी, कर दे दीजिए। पहले का क्या हुआ, लड़े हम, जीते कई मुकदमा। अब हर चीज़ ये सब बताने की चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। हम लोग चाहते अपना काम जो है बिहार की सेवा करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें, और यहाँ हम लोगों को ये लोग चाहता है कि डाइवर्ट करें। अभी भाजपा ये सब चिल्ला रहा है, ज़रा पूछेगा ये लोग माफ़ी मांगेगा जो भ्रामक न्यूज़ चलाया था तमिलनाडु वाला, क्या हुआ? जो हम बोले वो सच था कि नहीं था, निकला कि नहीं निकला सच? ये ऐसे ही करते रहेंगे बेशर्म, शर्म है या कोई नाम कोई है इन लोगों पे? और कुछ लोग बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग रहते ही हैं ना भाई, तो उन खबर चलाते हैं तो उनकी खुशी केवल 10 दिन है, बाकी दिन अभी खबर चलाएंगे ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद म्याऊं।